अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2D के क्वेश्चन नंबर 1 की। मेरे पास ये बुक 2 है जिसको कॉमनली D2 भी बोलते हैं, और इसका चैप्टर नंबर 2 जो है बेसिकली मैं चूज़ किया हुआ है, जिसमें से मैं ये क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। तो इससे पहले मैं बहुत से क्वेश्चंस इस चैप्टर से कर चुका हूँ, जिसके अंदर साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना डिफरेंट मेथड से शामिल है। आप वो काइंडली देख सकते हैं, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो आज जो मेरे पास क्वेश्चन है, ये भी साइमल्टेनियस इक्वेशन से ही रिलेटेड है, और ये है आपके पास बेसिकली ग्राफिकल मेथड, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। यूजिंग द ग्राफिकल मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। ग्राफिकल मेथड को इस्तेमाल करते हुए इन सब साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करके दिखाना है। अब ग्राफिकल मेथड क्या होता है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ। तो वो ये होता है कि आपको इन दोनों इक्वेशंस को जो यहाँ पे दी होती हैं, इन दोनों का ग्राफ बनाना पड़ता है। इन दोनों का ग्राफ बनाने के बाद ये दोनों बेसिकली बनती हैं हमेशा लाइंस, क्योंकि इनकी डिग्रीज वन है। आप देख सकते हैं एक्स की पूरे पार वन है, वाई के ऊपर भी पार वन है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब उसकी पार वन है। तो ये जिनकी अगर ऐसे वेरिएबल्स आ रहे हो जिनकी पार वन हो, तो ये बेसिकली इनका जब भी ग्राफ बनाते हैं तो आपको लाइन मिलती है। तो ये दो इक्वेशंस हैं तो आपको दो लाइन मिलेंगी, और वो दोनों लाइंस जहाँ पे कट करती हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और वो जो पॉइंट होता है वही आपका सोल्यूशन कहलाता है, उसी में एक्स की और उसी में वाई की वैल्यू आती है। तो हमने करना भी यही है, हमने यहाँ से एक इक्वेशन को और पिक करना है, उसका ग्राफ बनाना है, फिर दूसरी इक्वेशन को पिक करना है, उसका ग्राफ बनाना है, और जहाँ पर वो दोनों टच करेंगे एक दूसरे को, उस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये वो बेसिकली पॉइंट है जिसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये है इनका सॉल्यूशन। तो ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं बिल्कुल सिमिलर हैं, एक जैसे ही हैं, इनमें कोई भी ऐसी नई बात नहीं है, सब एक ही कंसेप्ट को, एक ही टेक्निक को यूज़ करते हुए सॉल्व होते हैं। तो मैंने इसमें पार्ट नंबर सी चूज़ किया है, कि पार्ट नंबर सी को के अंदर कॉफिशेंट्स आ रहे हैं एक्स और वाई के। बाकी जैसे ए पार्ट ज़रा ईजी है, क्योंकि इसमें वाई के कॉफिशेंट वन है। जितने आसान कॉफिशेंट होते हैं उतने ही काम जो है आसान होता है। अगर कॉफिशेंट जो हैं थोड़े से टफ लिखे हुए हैं, लाइक उनपे नंबर्स आ रहे हैं, बड़े नंबर हैं या कुछ भी नंबर हैं, तो उनको थोड़ा सा सॉल्व करना, कंप्यूट करने में थोड़ी सी इश्यूज आते हैं। तो मैं इसलिए पार्ट नंबर सी कर रहा हूँ। अगर मेरा ख्याल है पार्ट नंबर सी कर लेने के बाद आप लोग इसके बाकी पार्ट्स ईजिली कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सी को। तो मैं पार्ट नंबर सी में जो हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस लिखी हुई हैं वो लिख लेता हूँ। पहली इक्वेशन लिखी हुई है 3x-2y इक्वल टू 7, और दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है हमारे पास 2x+3y इज इक्वल टू 9। तो ये जो दोनों इक्वेशन हैं, जब आप लिख लेंगे आपने इनको नेम कर देना है, लाइक ये कह दें इक्वेशन नंबर ऑफ वन है, और ये कह दें ये इक्वेशन नंबर टू है। जब आप ये नेम कर देंगे, इसके बाद आपने इन दोनों इक्वेशन में से ग्राफिकल मेथड करने के लिए दोनों इक्वेशन में से वाई की वैल्यू को सेपरेट करना है। तो पहले इक्वेशन नंबर वन की बात कर लेते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, 3x-2y इक्वल टू 7, और यहाँ से y की वैल्यू को सेपरेट करना है, यानी y की वैल्यू एक तरफ होनी चाहिए, बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल एक तरफ होने चाहिए। तो बहुत से मेथड हैं, या तो इन सबको वहाँ पे ले जाएं और यहाँ से y को सेपरेट कर लें, वो भी ईजी है, या फिर y को उस तरफ मूव कर लें इक्वेशन के राइट साइड पे और तब उसको सेपरेट कर लें, तो भी एक ही मतलब है। दोनों तरीके से किया जा सकता है। तो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है वाई के साथ, ये नेगेटिव 2y है, तो मैं जिस चीज़ को अलहदा कर रहे होते हैं उसको, उसके कॉफिशेंट्स और को कोशिश करते हैं हम पॉजिटिव बनाएं, ताकि हमारे लिए आसानी रहे। तो इसलिए मैं इस -2y को वहाँ पर मूव कर लेता हूँ, ताकि ये बन जाए वहाँ जाके +2y। अब यहाँ पे +7 है, इसको लेफ्ट साइड पे मूव कर लेता हूँ, तो +7 यहाँ के हो जाएगा -7, और यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 2y, और 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप इसको यहाँ से हटाएंगे तो ये बेसिकली वहाँ जाके दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, तो ये जस्ट आ जाएगा आपके पास y। तो देखिए हमने y सेपरेट कर लिया है, वो है 3x-7/2। इसी तरीके से आपने इक्वेशन नंबर जो 2 है उसके साथ भी करना है, ठीक है। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 के साथ भी यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ कि उसमें से y किस तरह हम सेपरेट करेंगे। तो उस इक्वेशन को भी मैं नीचे लिख रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन लिख लें आप, 2x+3y इक्वल टू 9। यहाँ पे y का कॉफिशेंट जो है वो बेसिकली पॉजिटिव है, पॉजिटिव 3 है, तो इसको यहीं पे रहने दें, यहीं पे बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 9, ये +2x, यहाँ पे मूव कराने के बाद -2x हो जाएगा। यहाँ पे अभी भी 3 बचा हुआ है, दोनों साइड पे 3 से डिवाइड कर दें, या जस्ट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये बेसिकली इसकी फॉर्म बन जाएगी 9-2x/2।
ठीक है। अब ये जो दो वैल्यूज आपने वाई की निकाली हैं, इन्हीं से अब हमने बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने टेबल बनाने हैं बेसिकली, ठीक है। एक टेबल हम इस इक्वेशन के आगे बना लेंगे, एक एक टेबल इस इक्वेशन के आगे बना लेंगे। अब वो किस तरीके से बनाएंगे, तो ये देखिए, लेट से मैं यहाँ पे इस तरह की लाइंस डालूंगा और इसके दरमियान भी एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। आप ऊपर यहाँ पे एक्स लिख लें, नीचे वाई लिख लें और यहाँ पे इस तरीके से लाइंस लगाते जाएं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे खुद से वैल्यूज पुट करनी है एक्स की, वो वाली वैल्यू आपने इधर इक्वेशन में पुट करनी है, जो आपको वाई का आंसर मिलेगा वो यहाँ पे वाई वाले सेक्शन में लिख देना है। यही सेम टेबल आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर लें, ये मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ कर लिया। अब मैं सेम वैल्यूज यहाँ पे पुट करूंगा, जो यहाँ पे यूज़ करूंगा वो कोशिश करूंगा यहाँ पे भी यूज़ करूंगा। अब इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात आप क्लियर कर लें कि ज़रूरी नहीं है कि आप वही वैल्यूज पुट करें जो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, आप कोई सी भी वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं जो आपको लग रहा होगा कि आपके लिए ज़्यादा ईजी होने वाली है, या आप उसको जल्दी से सॉल्व आउट कर लेंगे, आसानी से प्लॉट कर लेंगे। क्योंकि लाइन वाले केस के अंदर इस तरह के साइमल्टेनियस इक्वेशन में जो ग्राफ बनाना होता है वो बहुत ईजी होता है। अगर आपको दो या तीन पॉइंट भी पता हो तो वो इनफ होते हैं, उससे आप फौरी गैस कर लेते हैं कि ग्राफ क्या होगा। तो इसलिए अगर आप इसमें भी अपनी मर्जी के कोई दो से तीन पॉइंट्स यूज़ कर लें पॉजिटिव और उतने ही नेगेटिव, तो काफ़ी होते हैं। और अगर इससे कम भी कर लेंगे तो भी, अगर आपकी आप उसको ईजिली गैस कर लेते हैं, आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, तो आप तब भी उसको ईजिली ड्रॉ कर लेंगे कि ये ग्राफ क्या होने वाला है। तो लेकिन मैं यहां पे कोशिश करूंगा मैक्सिमम पॉइंट्स आपको पुट करके दिखाऊं, ताकि जब आपको पॉइंट पुट करना यहां पे सब्स्टिट्यूट करना आ जाएगा, फिर आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि हमें कौन से पॉइंट्स पुट करने की जरूरत है और कौन से पॉइंट्स पुट करने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैं डिटेल में चीजें ही करूंगा, ताकि वो स्टूडेंट्स जो जरा थोड़े वीक हैं उनके लिए भी आसानी रहे। तो हम कोशिश ये किया करेंगे, सबसे पहले जीरो वाली वैल्यूज लाजमी चेक कर लें, यानी मैं एक्स को क्या पुट करने लगाऊं, जीरो। जब मैं एक्स की जगह पे जीरो रखूंगा, इसका मतलब है मैंने इस इक्वेशन में भी एक्स की जगह पे जीरो रखना है। अभी जो सारा वर्क है कैलकुलेशन का, मैं हर बार ही नहीं करके दिखाऊंगा, लेकिन एक बार आपको करके दिखा दूंगा ताकि आप लोग समझ जाएं मैंने किस तरह वैल्यू से लिख रहा हूँ। आपने ये वाली जीरो की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, तो मैं यहाँ पर ये वर्क कर लेता हूँ बेसिकली। तो देखें, इस वाली इक्वेशन में जो लिखी हुई है, वाई इज इक्वल टू थ्री, आगे एक्स आपने खुद से चूज़ किया है जीरो, आगे लिखा हुआ है -7/2। तो आप देख सकते हैं 3 0 टाइम 0 होता है, और 0 -7 आएगा -7, और -7 नीचे डिवाइड हो रहा है 2 से, तो इसका मतलब है आपको -7 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा -3.5। तो जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है -3.5। सेम काम यहाँ पे भी करते जाएँ साथ साथ, यहाँ पे भी आप एक्स की जगह पे पुट करें ज़ीरो। तो जब आप इधर एक्स की जगह पे जीरो पुट करेंगे, तो देखें ये इक्वेशन क्या बनेगी, मैं इसको भी यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो ये इक्वेशन बनेगी वाई इज इक्वल टू 9 -2 ऑफ 0, और ये सब डिवाइड हो रहा है 3 से, तो 2 0 टाइम्स हो जाएगा 0, और 9 -0 होता है 9, और 9 -0 होता है 9, ठीक है। और 9 को भी 3 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 3 टाइम्स 9 आएगा, यानी आंसर 3 आएगा। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 3। अब बस इसी तरीके से आपने यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ पुट करते जाना है, और आपको देखिएगा यहाँ पे सोल्यूशन खुद से नज़र आ जाएगा बगैर ग्राफ बनाए। उसके बाद आपको इजी हो जाएगा, जब आपको सोल्यूशन पता चल जाएगा फिर आप इजीली ग्राफ भी कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो अब एक और पॉइंट पुट करते हैं, लेट्स से यहाँ पर मैं पुट करता हूँ 1, ठीक है। अब आपने इस एक्स की जगह पे 1 पुट करना है, तो आप यहाँ पे देखें वाई इज इक्वल टू 3, एक्स की जगह पे 1, -7 वैसे ही, डिवाइडेड बाय 2 भी वैसे ही। तो 3 1 टाइम्स 3 होता है, और 3 -7 जब आप करेंगे तो आपके पास आएगा -4, और -4 नीचे 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा बेसिकली -2। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा -2। सेम यहाँ पे भी करते हैं, यहाँ पे रखें 1, अब आपको इस एक्स की जगह पे 1 पुट करना है, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं 9 -2, एक्स की जगह पे 1 और डिवाइडेड बाय 3, और 2 1 टाइम्स 2 ही होता है, 9 -2 7 आएगा, और 7 को आपको 3 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 जब आप डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कुछ डेसिमल में आंसर आएगा, तो लेट्स से वो यहाँ पे आ रहा है 2.3 अप्रॉक्सीमेटली, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 2.3। एक वैल्यू और पुट करके देखते हैं यहाँ पे, वो है 2।
अब मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से पुट करनी है, बाकी वैल्यूज़ आप इजीली निकाल सकते हो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बताऊँगा आपको। तो जब आप ये 2 यहाँ पे पुट करेंगे एक्स की जगह पे, तो 3 टू टाइम्स हो जाएगा 6, और 6 माइनस 7 होता है -1, और -1 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2, और -1/2 को लिखते हैं पॉइंट्स में, डेसिमल में -0.5। इसी तरीके से यहाँ पे भी कर लें, तो यहाँ पे भी 2 पुट करता हूँ, तो 2 2 टाइम्स 4, 9 माइनस 4 हो जाएगा 5, ठीक है, और 5 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, तो आपके पास आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.6। तो मैंने 3 पॉजिटिव वैल्यूज़ यहाँ पे पिक कर ली हैं, और आप अभी तक देख रहे हैं मुझे कोई भी वैल्यू सेम नज़र नहीं आ रही, ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, मतलब ऊपर वाली वैल्यूज़ तो एक्स की सेम है, लेकिन आंसर्स में कोई भी अभी तक चीज़ सेम नज़र नहीं आई जो दोनों में कॉमन आ रही हो। याद रहे जो इन दो इक्वेशन का सोल्यूशन होता है उसके अंदर आपको कोई ना कोई कॉमन पॉइंट अक्सर टेबल के अंदर ही मिल जाया करेगा, अगर नहीं भी मिल रहा होगा तो आप जब ग्राफ बनाएंगे वो जहाँ पे कट करेगा वही वाला पॉइंट बेसिकली आपका सोल्यूशन होगा, लेकिन कुछ केसेस में आपको यहाँ पे वो पॉइंट मिल सकता है अगर आप वो पॉइंट गैस कर गए या आपने वो वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे जो इसको सेटिस्फाई कर सकती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं अब नेगेटिव वैल्यूज पुट करने लगा हूँ, तो पहली नेगेटिव वैल्यू होती है -1, मैंने 3 पॉजिटिव यूज़ कर ली है, अब -1 यूज़ करने लगा हूँ। तो अब यहाँ पे एक्स की जगह पे मैं -1 एक वैल्यू यहाँ पे पुट भी करके दिखा देता हूँ ये वाली। तो जब आप एक्स की जगह पे -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × -1 -7/2, एक्स की जगह पे -1, 3 − 1 टाइम्स -3 होता है, -3 − 7 बेसिकली -10 होता है, और -10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो -5 आएगा, यानी आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा है -5। यही काम यहाँ पे भी करें, एक्स की जगह पे -1, तो यहाँ पे -1 लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे -1 की वैल्यू ये भी पुट करके दिखा देता हूँ, तो 9 − 2 × -1/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 टाइम्स 2 होगा, 9 + 2 11 हो जाएगा, तो 11/3 आपके पास आएगा, और इसको आप डेसिमल में लिख लें फिलहाल, तो 11/3 होगा आपके पास 3.6, ठीक हो गया। इसी तरीके से अब आप -2 -3 कितने सारी वैल्यू जो है वो आप पुट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे -3 और -4 में से जो है बाकी वैल्यू जो पुट करके दिखा रहा हूँ डिटेल में ताकि ये क्लियर हो जाए। लेट से अब यहाँ पे मैं -2 पुट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे -2 पुट करना पड़ेगा आपको, तो 3 को -2 से करेंगे तो आपके पास आएगा -6, और -6 और -7 आपके पास आएगा -13, और उसको आपको 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा -6.5। सेम काम यहाँ पे भी जल्दी से करते हैं, -2, तो यहाँ पे -2 पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 टाइम्स 4 हो जाएगा, तो 9 − 4 5 होता है, और 5 को आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.6। अभी तक कोई हमें यहाँ पे जो है ऐसे पॉइंट्स नहीं मिले, अब यहाँ पे देखते हैं हम -3 पुट करके, ठीक है। अब जब आप -3 पुट करेंगे तो 3 − 3 टाइम्स जो हो जाएगा -9 हो जाएगा, ठीक है, और -9 में आपको -7 करना पड़ेगा तो ये आपके पास आएगा -16, ठीक है, और -16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा -8, ठीक हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी करना पड़ेगा -3, तो जब आप यहाँ -3 रखेंगे तो ये नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 2 टाइम्स हो जाएगा 6, तो 9 + 6 करेंगे तो आपके पास आएगा 15, और 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 5। तो इतने मेरे पास पॉइंट्स अभी इनफ है, हम इन्हीं पॉइंट्स की मदद से ग्राफ बनाने जा रहे हैं। याद रहे अभी मैंने यहाँ पे एक पॉइंट और पुट करना है, वो मैं आपको एंड पे पुट करके दिखाऊंगा ताकि मैं समझा सकूं कि मैं आपको जो बता रहा हूँ कि कुछ पॉइंट्स कभी कभार सेम आ जाते हैं और वही उसका सोल्यूशन यहाँ से पता चल जाता है उसका क्या मतलब होता है, वो मैंने यहाँ पर जान के छोड़ा है ताकि हम पहले ग्राफ देख लें और उसके बाद इस चीज़ को ऑटोमेटिकली हम यहाँ से सेटिस्फाई भी कर लेंगे। तो 3 पॉइंट्स पॉजिटिव हैं, 3 पॉइंट्स नेगेटिव हैं, मैंने दोनों में आपको पुट करके दिखा दिए हैं, अब आपने इनसे ग्राफ बनाना है। अब ये दोनों मिलकर एक पॉइंट बनाएंगे, लाइक अगर यहां पे पॉइंट नंबर 1 कहा जाए तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा -3.5। इसी तरीके से ये एक पॉइंट नंबर 2 कहा जाए तो इसका नाम होगा एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट -2। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 3 कहा जाए तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा 2 और वाई कोऑर्डिनेट होगा -0.5। और इसी तरीके से इसको P4 कहा जाए यानी पॉइंट नंबर 4, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा -1, वाई कोऑर्डिनेट होगा -5, और इसी तरीके से आप आगे इसको लिख सकते हैं, इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं, वो अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको जस्ट समझा दिया है। अब चलते हैं ग्राफ पे और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अगर आपके पास कोई 2 से 3 पॉइंट भी हों तो आप उसकी मदद से ईजिली ग्राफ को जज कर सकते हैं कि इसका ग्राफ क्या बनने वाला है। तो अब हम यहाँ पर जो है बेसिकली ग्राफ करने लगे हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ जल्दी से, तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स एक्सिस,
ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और इसी तरीके से मुझे यहाँ पे वाई एक्सिस भी ड्रॉ करना है, मैं यहाँ पे वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर लेता हूँ। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस आपने रखनी है ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपने इसे सोल्यूशन निकालना है। अगर आपने पॉइंट्स को थोड़ा भी इनकी स्पेसिंग ख़राब करी या इसमें आपसे कोई भी गलती हुई तो इससे इफेक्ट आ सकता है इसके ऊपर। तो ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। ये मेरे पास बेसिकली पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये है मेरे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे है नेगेटिव वाई एक्सिस, और सॉरी नेगेटिव। तो अब ग्राफ हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जल्दी से पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेरे पास होगा ये मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया, इसमें नेगेटिव एक्स एक्सिस भी शामिल हो जाएगा, अभी मैं इंडिकेट कर दूंगा उसको। अब इसी तरीके से वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस आपने रखनी है, कोई भी यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपने सॉल्यूशंस निकालने हैं। अगर आपका थोड़ा सा भी यहाँ पे गलती हुई तो उससे आपका सॉल्यूशन में इफेक्ट आएगा ही आएगा, तो इसलिए बहुत ध्यान से ये करने वाला काम है। तो ये मैंने वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर लिया, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैंने बेसिकली किसको क्या कहा हुआ है। तो बेसिकली ये है मेरे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये है मेरे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये है बेसिकली पॉजिटिव वाई एक्सिस, और सबसे नीचे जो मेरे पास आया है वो आएगा मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। ये मेरे पास नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक हो गया। तो ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है। अब मुझे जो है बेसिकली इन पे स्केल करना है। स्केल का मतलब मैंने स्पेसिंग डिसाइड करनी है कि मैं क्या स्पेस यूज़ करूँगा यहाँ पे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे जो मेरे पास ग्राफ पेपर है, ये स्मॉल बॉक्सेस वाला ग्राफ पेपर है जिसके अंदर मैं स्केल को यूज़ करते हैं। अगर मैं इसको सेंटर पे रखूँ तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों स्मॉल बॉक्स में जो डिस्टेंस है ना वो 0 से लेके 1 सेंटीमीटर तक है, यानी 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो मैं यही करूँगा, मैं हर जो स्केल कर रहा हूँ ये इस तरीके से करूँगा, ये लिखा हुआ है 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, और इस तरह करते करते 1 है, यानी ये दोनों स्मॉल बॉक्स काउंट करो तो 1 सेंटीमीटर का गैप बनता है। तो इसलिए मैं इसको बोलूँगा ये मेरे पास है बेसिकली 1 सेंटीमीटर, इसी तरीके से ये आएगा 2, बिल्कुल स्केल को यूज़ करते हुए ये आएगा 3, इसी तरीके से आएगा 4, और मैं आगे चलता रहूँगा। सेम मैं यहाँ नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी करूँगा, सेम स्केल मैं वाई एक्सिस पे भी चूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो अब मैं इसकी यहाँ पे इसको 1 लिख लेता हूँ, इसको 2, इसको 3, और बाकी भी जो है डिजिट जो है यहाँ पे लिखने थे वो लिख लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो स्केल था 1 सेंटीमीटर का रखा हुआ है, यहाँ पे लिख भी दिया है एक्स एक्सिस जो है वो 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट है, यानी 1 यूनिट काउंट करेंगे 1 सेंटीमीटर का गैप देने के बाद। अब मैंने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, तो पॉइंट्स प्लॉट किस तरीके से करने हैं, सबसे पहले जो पहली इक्वेशन है मुझे इसके पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, उसके बाद दूसरी इक्वेशन की, हम मिक्स नहीं करेंगे वरना हमें इश्यूज़ आएंगे। तो जो आपको इतने सारे पॉइंट्स आपने निकाले होंगे, आप इसमें से पहले जो ईजी वन है जिनको आप ईजिली प्लॉट कर सकते हैं वो प्लॉट कर लें, वही आपके लिए इनफ हो जाएंगे। तो जैसे ये ईजी वन है, इसके अंदर कोई भी डेसिमल वाली टर्म नहीं मौजूद, जिस तरह यहाँ पे -3.5 मौजूद है, इसको प्लॉट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इन इंटीजर्स को पहले प्लॉट करते हैं जिसमें कोई भी डेसिमल नहीं आ रहे। तो इसमें लिखा हुआ है x1 है और y-2 है, तो हम यहाँ पे ढूंढते हैं x1 कहाँ पे है, x1 यहाँ पे है और y-2 आपके पास नीचे आएगा। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि x1 ये रहा और y-2 ये है, यानी 1 के नीचे और -2 के सामने, तो ये वाला वो पॉइंट बनेगा, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे x1 और y-2। मैंने भी यहाँ पे डॉट डाला है ताकि मुझे इनको मिलाना आसान रहे। ये आपके पास पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखें तो वो आपके पास जो आसान होगा बनाना वो ये वाला होगा, x-1 है और y-5 है। तो x-1 कहाँ पे है, वो है यहाँ पे, और y-5 कहाँ पे है, वो बिल्कुल नीचे है यहाँ पे, x-1 और y-5 यानी -5 के सामने और -1 के नीचे। तो ये वाला वो पॉइंट है बेसिकली जिसको हम बोलेंगे x-1 और y जो है -5 है, ठीक है। ये दो लाइंस जो हैं ये दो पॉइंट्स इनफ हैं वैसे कि आपको बता दें कि ग्राफ किस तरह बनेगा। आपने बस इन दोनों पॉइंट्स में से गुजरने वाली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अगर आपने सारा स्पेस जो है प्रॉपरली यूटिलाइज किया हुआ है, कोई स्पेसिंग में गलती नहीं है, किसी पॉइंट में गलती नहीं है, तो आपको ऑटोमेटिक बाकी पॉइंट्स भी इसी के ऊपर लाइन के ऊपर मिल जाएंगे। तो मैं यही करने लगा हूँ, मैंने अब इन दोनों पॉइंट्स को बिल्कुल स्ट्रेट मिलाना है, बिल्कुल स्ट्रेट मिलाना है, ठीक है। तो देखिए मैं इन दोनों पॉइंट में से गुजरने वाली एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करने लगा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है,
ठीक है, अब जो ये वाले पॉइंट्स थे इन पे आप क्रॉस लगा लें ताकि याद रहे कि आपने कौन सी जगह पे बनाए थे। मैं इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकता हूँ यहाँ से देख के, ये एक्स का 1 है, वाई का -2 है, यानी ये पॉइंट था 1 -2, और ये वाला पॉइंट था एक्स -1 y5। तो ये आप लिख सकते हैं एक्स -1 और वाई -5, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। अब बाकी भी आप बहुत सारे मेंशन कर सकते हैं, लेकिन हमें देखें 2 पॉइंट्स ही काफ़ी हो गए, हमने वहाँ पुट करके लाजमी दिखा दिए हैं ताकि आपके पास ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आ जाएँ पॉइंट्स को पुट करने की। तो वरना ये 2 पॉइंट्स ही काफ़ी हो गए और आपने बता दिया ये लाइन इस तरह जाएगी। इसी तरीके से हम दूसरे पॉइंट को भी यूज़ कर लेते हैं। तो दूसरे पॉइंट में जो सबसे बेहतर पॉइंट है वो ये वाला है x0 और y3, पहले इसको प्लॉट करते हैं। x0 है और y3 है, y3 यहाँ पे होता है और x तो 0 है, तो पूरे y एक्सिस पे x0 ही होता है, ये पॉइंट जस्ट यहीं पे बनेगा, यानी ये वाला जो पॉइंट होगा ये वाला x0 y3 कहलाएगा। मैंने अभी इस पर डॉट बनाया है। एक पॉइंट हमें और पिक करना पड़ेगा, तो वो पॉइंट हम यहाँ पर पिक कर लेते हैं x-3 और y5। तो x माइनस करने जा रहे हैं x-3 और y5, तो x-3 यहाँ पे हमारे सामने और y5 यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये +5 के सामने आएगा और -3 के एग्जैक्टली ऊपर आएगा, यानी -3 के एग्जैक्टली ऊपर और +5 के सामने, ये वाला बेसिकली वो बनेगा पॉइंट जिसको हम बोलेंगे x-3 और y+5। अब देखिए आपको यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स मिल गए हैं, 1 और 2। अगर आप इन्हीं 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन जो बना दें तो वो आपके लिए इनफ होगी। तो मैं यहाँ पे यही करने लगा हूँ, इन दोनों स्ट्रेट लाइन को मैं ज्वाइन करने लगा हूँ, ठीक है, ये जहाँ पे भी एग्जैक्टली मैच करेंगे। देखिएगा, ध्यान से करिएगा, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती अगर हुई तो ये सारा जो है प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकता है। तो ये दोनों पॉइंट्स हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे थिकनेस का भी ख्याल रखना है, जो मैं ये बॉल पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ उसकी थिकनेस का भी ख्याल रखना है। तो ये मेरे ख्याल से मेरे पास बेस्ट सूटेबल लाइन होगी। तो देखें, अब जो मैंने वो पॉइंट्स बनाए थे मैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ। लेट्स से ये वो पॉइंट था एक, और एक ये पॉइंट था, ठीक हो गया। अब देखें ये टच कर गए हैं यहाँ पे, ये इस पॉइंट पे टच करे हैं, ये वाला जो पॉइंट है आपने इस पॉइंट को पहचानना है, ये पॉइंट क्या है। इसको देखें, ये 3 के ऊपर है, 1 के सामने है, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 के ऊपर, यानी एक्स कितना है 3 और 1 के सामने, और वाई कितना है 1, तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं 3 1, तो यही कहलाता है सोल्यूशन। ये आपने सॉल्व कर लिया है इस क्वेश्चन को, कि जहाँ पे दोनों लाइंस कट करेगी वही इसका कहलाएगा सोल्यूशन। तो x 3 आ गया है और y 1 आ गया है। अब जस्ट आपने इन इक्वेशंस के नाम लिख देने हैं, ये वाली जो लाइन थी जो हमने पहले वाली ड्रॉ करी थी इसकी इक्वेशन का नाम आपने इसके ऊपर रख देना है, ताकि वो आसानी रहे एग्जामिनर को भी। तो वो रहता है 3x-2y=7, और जो ये वाली इक्वेशन थी यानी जिसकी आपने ये लाइन ड्रॉ की है, इसका भी नाम आपने यहाँ पे रख देना है, वो आएगा 2x+3y=9। अब ये जो पॉइंट है 3 1, यही हमारा सोल्यूशन कहलाएगा। अब मैं आपको ज़रा लेके चलता हूँ टेबल पे, जो मैंने आपको कहा था एक पॉइंट में आपको बताऊँगा, ये आपको समझ आ चुकी होगी कि 3 के ऊपर 1 के सामने, यानी x3 y1, ये इसका सोल्यूशन है, जहाँ पे कट करेंगे वही इसका सोल्यूशन कहलाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें, x की जगह पे आपने 3 भी पुट किया होता, जैसे मैंने 0 1 2 पुट किया था, 3 पुट करता तो 3 2 टाइम्स बेसिकली होता 6, ठीक है, सॉरी 3 पुट कर रहा हूँ मैं, तो 3 3 टाइम्स होता 9, 9-7 होता है 2, तो 2 डिवाइड बाई 2 यहाँ पे क्या आता 1। यही 3 अगर आपने यहाँ पे भी पुट किया होता तो 2 3 टाइम्स होता है 6, 9-6 होता है 3, और 3 डिवाइड बाई 3 क्या आता है 1। तो आप देखिए आपको 2 पॉइंट सेम मिल जाते हैं। और अगर ऐसा हो जाए, यानी मैंने तो यहाँ पे बहुत से पॉइंट्स पुट करके आपको दिखाए हैं, अगर आपके पास पहले से ही ऐसा पॉइंट कोई मिल जाए, इससे आपको पहले ही जस्टिफाई हो जाएगा कि इनका सोल्यूशन क्या आने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे पॉइंट्स पुट कर रहे हो और कोई ऐसा पॉइंट आए जिसकी दोनों वैल्यू सेम आ जाए, इसका मतलब है ग्राफ वहीं पर मिलना चाहिए, वही आपका सोल्यूशन होना चाहिए। तो देखें 3 1 यहाँ पे है और यहाँ पे भी किस पे मीट कर रहा है, 3 1 पे ही मीट कर रहा है। तो ये था हमारे पास इसका आंसर। अब आप यहां पे लिख भी सकते हैं कि इसका जो सोल्यूशन सेट है वो है, इसमें x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1 है, यानी जहां पे ये दोनों टच कर रहे हैं। तो मैंने सिर्फ 2 पॉइंट्स यहां पे प्लॉट किए, मुझे पूरी लाइन का पता चल गया, 2 पॉइंट्स प्लॉट किए इस भी पूरी लाइन का पता चल गया। आपके लिए भी 2 से 3 पॉइंट्स काफी हैं, अगर आप मजीद प्लॉट करना चाहते हैं जो मैंने वहां पर पॉइंट्स लिखे हुए वो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आसान चीज बताने की कोशिश करी है, लेकिन मैंने डिटेल में चीजें बताई हैं जो आपको हेल्प करेंगी। तो ये था ग्राफिकल मेथड, मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया, मुझे पता है वीडियो लंबी होगी होगी और काफ़ी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा भी बता दी होंगी, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो इसको डिटेल से समझना चाहते हैं, जिनको कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैंने चीज़ें काफ़ी एक्सप्लेन कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी।